हेलो गेमर्स, मेरा नाम है गणेश और आप सभी को हमारे गेमिंग चैनल यूफन गेमिंग पे स्वागत है। सो गाइस, आज हम फिर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेके आ चुके हैं एक नई वीडियो, एक ताज़ा वीडियो, एक फ्रेश वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं ये तो आपको थंबनेल और टाइटल से ही पता चल चुका है। सो गाइस, तो भी मैं बता दूँ कि यार आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में बात की यार आप एलडी प्लेयर मतलब जो भी इमुलेटर की बात करो, इमुलेटर में जो होता है ना जोइस्टिक का प्रॉब्लम, वो कैसे दूर कर सकते हो, भगा सकते हो और यार उससे रिमूव कर सकते हो, जो भी करो सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा तरीके से समझाने वाला हूँ कि क्या ही बताएगा, आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाने वाला हूँ। आप ये प्रोसेस करो मतलब ये मेथड ट्राई करो, इसे नहीं होगा तो क्या करना चाहिए वो सब बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस, अभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको पता ही है गाइस, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना यार, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो गाइस, अभी भी 72 बंदे लोग मतलब परसेंट बंदे लोग यार मेरे चैनल का वीडियो देखते हैं, डेली रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो गाइस, प्लीज़ भाई के खातिर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि गाइस सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगता है। सो गाइस, आपका ही फायदा है, मैं एलडी प्लेयर संबंधी ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, अभी वीडियो शुरू करते हैं बिना कि ये बकवास छोटा सा इंट्रो के बाद। सो गाइस, आपके डिवाइस में मतलब आपके पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप क्या क्या है उसमें यार आपका जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो रहा है, फ्री फायर खेलते हो, तो उसके लिए आप मैं आप सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 3 स्टेप में। सो गाइस, 3 स्टेप में आपको कुछ सब स्टेप भी देखने को मिलेंगे, उसके अंदर भी कुछ स्टेप्स। सो गाइस, उन सभी को फॉलो करना है आपको और गाइस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आप स्किप करोगे तो यार इम्पोर्टेंट स्टेप छुटा जाओगे। सो गाइस, सब स्टेप को आपको फॉलो करो यार, मैं वो करता हूँ कि आपका जॉयस्टिक प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस, अभी वीडियो शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे एक माउस के सेटिंग पे। माउस के सेटिंग यार आपको उसको फिक्स करने के लिए सेटिंग पे जाना होगा, मैं जैसे जा रहा हूँ उस टाइप से। सो गाइस, अभी इधर जाते हैं माउस पे। सो गाइस, इसके बाद आपको जाना है एडिशनल माउस ऑप्शन पर। एडिशनल माउस ऑप्शन में जाने के बाद आपको पॉइंटर ऑप्शन पे, और गाइस इधर देखो मेन पॉइंट इधर है, इधर मोशन लिखा हुआ मिलेगा, आपको इधर ही सेटिंग करना है। सो गाइस, सेलेक्ट का पॉइंटर स्पीड आपको जितना हो सके उतना रखना है, मतलब यार आप फास्ट भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो, आपको जितना कंट्रोल हो सके उतना कंट्रोल करना है। मेरे तो यार इतना में बहुत अच्छा गेम सपोर्ट जा रहा है सब। सो गाइस, मैं इतना ही रख रहा हूँ। और गाइस, मेन पॉइंट ये है कि यार आपको इन एंस पॉइंटर फ्री सीजन जो है ना, इसको आपको अनटिक कर देना है, इधर टिक करा हुआ मिलेगा, आपको इधर अनटिक कर देना है और यार इधर अप्लाई कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये, मैंने आपको बता दिया, बताना था। सो गाइस, इधर अप्लाई करके ओके कर देना है। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सो गाइस, जब ये बात कर लेते हैं हमारे वीडियो का सेकेंड स्टेप पर, जो कि बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट स्टेप है। सो गाइस, इसी स्टेप में सब कुछ होता है, मतलब इस स्टेप में आपको मैं 2-4 कीबोर्ड के मॉडल दूंगा जो कि यार आपके जॉयस्टिक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके, मतलब उधर नहीं आएगा यार कुछ, ये डिवाइस इमुलेटर आंसर होता है। सो गाइस, आप ट्राई करना, आप जो भी इमुलेटर यूज़ करते हो, नॉक्स, ब्लू स्टेक, एलडी प्लेयर, मेमो, जो भी यूज़ करते हो यार गेम लोग, वो सब में ट्राई करके देखना है। डिफरेंस मॉडल में आपको दूंगा, इनमें से एक तो यार ज़रूर काम करेंगे। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं हमारे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स से यार आप एलडी प्लेयर जाओ, उसके बाद यार कॉस्ट्यूम अप पे जाना। कॉस्ट्यूम अप पे जाने के बाद आपको ये सब इंटरफेस देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप गेम ओपन करोगे, स्पेशली मैं ये एलडी प्लेयर में दिखा रहा हूँ गाइस, आपके पास और इमुलेटर है तो उधर भी आप ऐसा ही करके यार जॉयस्टिक को इधर उधर कर सकते हो। चलो गाइस, अभी बात कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप है आपको इधर दोनों कंट्रोल पे आ जाना है। दोनों कंट्रोल में आने के बाद आपको इधर देखना है यार ये कंट्रोल जो होता है ना, ये एलडी प्लेयर और यार नीचे के जॉयस्टिक जो है उस दोनों को देखना है, मतलब एलडी गेम का जॉयस्टिक जो है वो छोटा सा बड़ा है और एलडी प्लेयर का जॉयस्टिक जो है वो थोड़ा सा छोटा है। सो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट मॉडल को फिक्स करने के लिए, फर्स्ट मॉडल किसे और करेगा उसके लिए। सो गाइस, हमको करना पड़ेगा फर्स्ट मॉडल पे जो गेम का जो स्टिक है उसको छोटा सा छोटा कर देंगे और एलडी प्लेयर का जो स्टिक का साथ मैच करने के लिए फिक्स करेंगे। चलो दोनों को मैच करने की ट्राई करेंगे। सो गाइस, अभी चेक करेंगे मैच। सो गाइस, इधर देखो फाइनली ये दोनों मैच हो चुके हैं। सो गाइस, दोनों फाइनली मैच हो चुके हैं। अभी इस मॉडल में कैसा जाता है गेम प्ले वो भी आपको दिखा देता हूँ।
सो गाइस थोड़ा सा इंटरनेट टटी है गाइस, अभी इधर देख सकते हो जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इधर देख सकते हो मैंने इधर इसको किधर सेट किया है। तो गाइस जॉयस्टिक प्रॉब्लम मतलब यार आपका जॉयस्टिक इधर इधर आ जाएगा तो ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका इधर नहीं आएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप इधर ही ऐसे बैठे बैठे रहेगा तो यार इसका प्रॉब्लम नहीं है जॉयस्टिक का। सो गाइस इधर आता है नहीं देखते हैं, तो गाइस इधर नेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं गाइस, नेट नहीं पड़ेगा इसमें। तो जॉयस्टिक आ रहा है नहीं आ रहा है, वो इधर है ये ऐसे करके जब आप फायर करोगे और इधर यार ऐसा जॉयस्टिक करके आएगा तो यार ये आपका प्रॉब्लम है, मतलब यार नहीं तो यार जॉयस्टिक प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस फर्स्ट मॉडल पे तो सब कुछ सीट ठीक लग रहा है, अभी बात कर रही थी हमारे सेकंड मॉडल के बारे में। सो गाइस हमारा सेकंड मॉडल ही ओसा है, बस कुछ डिफरेंस है उससे गाइस, इसलिए सेकंड मॉडल बोल रहा हूँ। सेकंड मॉडल में आपको करना क्या है कि गाइस ये जो होता है ना जॉयस्टिक उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना है, मतलब थोड़ा सा इतना नीचे की तरफ लाना है। उसके बाद यार आप इधर से इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दो। सो गाइस इसको भी थोड़ा नीचे कर देंगे, दोनों को मैच करेंगे। चलो इधर से सो गाइस दोनों को मैच करेंगे, उसके बाद इससे भी काम होगा या नहीं, इससे भी कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं ये भी देख लेंगे। सो गाइस अभी सेकेंड मॉडल पर आप देख सकते हो इधर कुछ प्रॉब्लम होता है, लोचा होता है कुछ लोचा नहीं हो रहा है। अभी फायर कर रहा हूँ जैसे कि स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, देख रहे हैं गाइस। तो गाइस इधर सेकंड मॉडल भी बहुत ही अच्छा, ये भी आप ट्राई करना। इसमें यार ये मॉडल है जो है ना यार आप जो स्टिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा ऐसा मॉडल आप ही खुद ही क्रिएट करो गाइस, इधर कुछ में थोड़ा सा छोटा कर दो कुछ में बड़ा कर दो, ऐसा ही करके आपको ट्राई करते रहना है, एक ना एक और करेगा गाइस। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मॉडल में, यार थर्ड मॉडल में आपको क्या करना है मैं बता दूं। थर्ड मॉडल में यार आपको ऐसा कॉस्ट्यूम अप पे आ जाना है, उसके बाद एक कंट्रोल का जो है ना इसका तो इसको छोटा सा कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलो गाइस सो गाइस इसको इतना करके इसको इधर साइड पे ले आना है, उसके बाद आपको यार एलडी प्लेयर का भी देख लो इधर से, तो रुको गाइस इधर से आप एलडी प्लेयर को भी देख लो, इसका भी इधर मैच कर देना है दोनों को। चलो गाइस इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर मैच हो सके ये दोनों। चलो गाइस इतने करने के बाद इसको सेव कर लेना है, चलो गाइस इसको सेव कर लेते हैं। गाइस इस मॉडल में भी देख सकते हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है, मॉडल भी देख सकते हो आप इधर हो रहा है, कुछ लोचा नहीं हो रहा है, चल रहा है इधर इधर उधर भी नहीं कर रहा है। सो गाइस ये भी अच्छा है थर्ड मॉडल भी, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस आप लोग ये तीन मॉडल जो मैंने दिया है मतलब मैंने बताया वो सब ट्राई करोगे तो यार आपका जॉयस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और गाइस इससे भी नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बता दूं। सो गाइस ये हमारा थर्ड स्टेप है, मतलब थर्ड स्टेप है तो गाइस स्टेप थर्ड में मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, वो ध्यान से सुनना, वो ट्राई करना। सो गाइस उससे भी आपका जॉयस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो गाइस थर्ड स्टेप में ये क्या क्या करना है मैं बता दूँ। थर्ड स्टेप में गाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है एलडी प्लेयर मतलब जो भी है उसका जॉयस्टिक जिस वर्जन में जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो रहा है उसको हटाना है और नेक्स्ट मतलब नए वर्जन ट्राई करना है। मतलब यार वर्जन क्यों आते हैं आपको पता ही नहीं, नए वर्जन पुराने वर्जन में कुछ लोचा होते हैं प्रॉब्लम होते हैं कुछ गेम में कुछ। सो गाइस इमुलेटर में तो बहुत सारे गेम खेलना होता है ना यार, पबजी मोबाइल खेलते हैं कुछ लोग, पबजी मोबाइल लाइट फ्री फायर सो गाइस मतलब डिफरेंस गेम है, मुझे उतना नाम तो नहीं आता है, उस सभी में कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो फिक्स करने के लिए नए वर्जन लाते हैं। सो गाइस नए वर्जन में क्या पता आपका ये जॉयस्टिक प्रॉब्लम जो है उस वर्जन जिस वर्जन में है उससे नए वर्जन में नहीं भी हो सकता है। सो गाइस ये भी ट्राई करके देखना, नए वर्जन डाउनलोड करना। सो गाइस मैं आपको कौन सा वर्जन अच्छा है उसका वीडियो भी बना दिया है, आप वो भी ट्राई करना। आपका वर्जन अभी वो वर्जन यूज़ नहीं कर रहे तो वो वर्जन ट्राई करके देखना, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अभी बात कर लेते गाइस सेकेंड नंबर टिप्स के बारे में, सेकेंड नंबर टिप्स में आपको क्या करना है। सो गाइस आपका ये देख सकते हो ना जो इधर कंट्रोल पे
लेफ्ट साइड का बटन जो देख सकते हो आप लोग, उसको यार आप राइट साइड के शिफ्ट करो, मतलब लेफ्ट साइड में कुछ ही रखो, जितना हो सके राइट साइड पे रखो, क्योंकि गाइस इधर से रखने से जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो जाता है। अभी कभार आपने नोटिस किया ही होगा गाइस, आप जब भी ऐसे फायर करते रहो ना, ऐसे फायर करते हो ना, तभी यार आगे ऐसे बढ़ जाता है। सो गाइस यही प्रॉब्लम हो कभी कभार यार, ऐसे ऐसे करके कुछ करो, इधर आप हिट रहे हो तभी ग्लूवाल हाथ में आ जाता है, मतलब ये ग्लूवाल टच किया तो ग्लूवाल हाथ में आ जाएगा। सो गाइस ऐसा ही करके प्रॉब्लम होता रहता है। सो गाइस जितना हो सके आपको उतना लेफ्ट साइड पे कम बटन रखना है और राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं थर्ड टिप्स के बारे में। थर्ड टिप्स में आपको क्या करना है गाइस, जब आप गेम खेलते हो तभी यार आपको एक की रख लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो इधर माउस आ रहा है अभी जा रहा है। ऐसे करोगे तो गाइस आपका अनस्टॉप प्रॉब्लम जो है ना वो भी टेम्प्रोरी सॉल्व हो जाएगा, और इधर जॉयस्टिक प्रॉब्लम जो है उसको भी हेल्प करेगा। सो गाइस ये करना है, इसके लिए भी आप इधर से कर सकते हो। इधर से गाइस ये मैंने भी रखा है, ये भी बटन थिटूंगा, भी बटन मैं इधर से दबाऊंगा तो यार मेरा एक की ऐसा माउस का असर आ जाएगा, और ये नहीं दबाऊंगा मतलब इससे नहीं दबाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगा। मतलब यार ऐसा ही करके आपको ट्राई करना है। आप इधर जो भी बटन रख सकते हो आपके हिसाब से, ये रख सकते हो, यान रख सकते हो, जो आपके हाथ के कंट्रोल में है। सो गाइस जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आप फ्रीक्वेंटली दबा सकते हो उसको रखना है। सो गाइस नहीं दबा सकते हो तो आपको बांधी बना है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के एक लाइक तो बनता है। सो गाइस ऐसा ही एलडी प्लेयर संबंधी वीडियो देखने के लिए भी यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। मैं और भी एलडी प्लेयर का वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब एलडी प्लेयर का बेस्ट वर्जन कौन सा है, कौन सा आप कैसे एलडी प्लेयर का लैग फिक्स कर सकती हो, एलडी प्लेयर से हेडसेट किसे लगा सकती हो, वो सब यार एलडी प्लेयर का वीडियो जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय फ्री फायर। Oh,